प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सुनिए, बहुत देर हो गई, अभी तक आज सरगम नहीं आई। आ जाएगी नैना, वो वैसे सोच तो मैं भी रहा था, बात क्या है, तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई उससे? ये जब मैं बिजली का बिल भरकर जब बाहर निकली तो उसका फोन आया था, कह रही थी कुछ काम है इसलिए थोड़ा देर हो जाएगी। नैना, वो पिछले दिनों किसी इंटरव्यू की बात कर रही थी, कहीं वहां तो नहीं गई? पता नहीं, उसने ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं, और फिर मैं भी जल्दी में थी, मैंने भी नहीं पूछा। अब मुझे भी क्या पता था कि उसे इतनी देर हो जाएगी। देखो नैना, आज तक उसने ऐसा नहीं किया। गलती मेरी ही है, मुझे उससे ढंग से बात करके पूछ लेना चाहिए था। नैना प्लीज यार, बच्चे हैं, कहीं देर तो रुक गई होगी, थोड़ा वेट करते हैं, रिलैक्स। लेकिन कब तक इंतजार करें? खाना बन गया? जी, कब का बन गया? उस लड़की के इंतजार के चक्कर में खाना ठंडा भी हो रहा है। कोई बात नहीं नैना। अच्छा एक बात बताओ, ये लड़की काफी दिनों से किसी इंटरव्यू की बात कर रही थी। अच्छा नैना, जहां उसे इंटरव्यू देना था वहां का कोई पता या फोन नंबर लिखवाया उसने? देखिए मुझे क्या पता। हाँ, वो मुआ कोई साई टेक्नोलॉजीज की बात कर रही थी। कोई नंबर उसने लिखवाया उसका? नंबर वो कुछ लिख तो रही थी जी कागज पर, मैं देखती हूँ, यहीं कहीं होगा। हाँ तुम देखो, मैं करता हूँ फोन। अरे जल्दी आओ ना। जा रही हूँ ना, ये देखो कोई नंबर लिखा हुआ है। साई टेक्नोलॉजीज, देखिए आपके यहाँ जो आज इंटरव्यूज होने वाले थे वो खत्म हो गए जी। बट अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई सरगम शर्मा नाम की लड़की इंटरव्यू के लिए आई थी? What? क्या क्या हुआ, क्या कहा उसने? नैना वो तो कह रहे आज सैटरडे है, आज तो इंटरव्यू ही नहीं है, और वैसे भी सरगम शर्मा नाम की लड़की वहां कभी कोई आई नहीं थी। क्या तो फिर ये लड़की सुबह से कहां होगी? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। गई कहां? रुकी, मैं उसकी सहेलियों के घर पर फोन करती हूँ, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। हेलो स्वीटी, मैं सरगम की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। बेटा सरगम आपके वहां आई है क्या? नहीं। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, रखती हूँ। और को देख लो।
हेलो रिया, मैं नैना आंटी बोल रही हूँ। बेटा सरगम तुम्हारे घर पे है क्या? ये लड़के भी ना, आने दो उसे, पूछती हूँ जरा। नैना घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ, सरगम को कुछ नहीं होगा। हेलो एसआईडी, एसआईडी ऑफिस से बात कर रहा हूँ। आपको अर्जेंटली एसआईडी टीम ज्वाइन करने के लिए अपॉइंट किया गया है, सो जितनी जल्दी हो सके प्लीज रिपोर्ट कीजिए। मैं एसआईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपको एसआईडी टीम ज्वाइन करने के लिए अपॉइंट किया गया है, जितनी जल्दी हो सके प्लीज रिपोर्ट कीजिए। ओके सर। नैना प्लीज, ये रोना धोना बंद करो, क्यों ऐसे घबरा रही हो? अरे बच्ची है, कहीं सहेली के पास चली गई होगी, आ जाएगी। कहाँ चली गई, कब आएगी? मुझे बहुत चिंता हो रही है, लगता है मैं सरगम आ गई। हाँ मैं देखता हूँ। सरगम सरगम, हम लोग एसआईडी से। आइए सर, प्लीज प्लीज आइए, प्लीज बैठिए। नहीं नहीं ठीक है, आपकी बेटी का कोई पता चला? सर कुछ पता नहीं चला अभी तक। सुबह कितने बजे घर से निकली थी वो? मेरे खा 11 बजे घर से निकलती है और फिर शाम को आते हुए अपने डांस क्लास में जाती है, और मेरी उससे अमूमन फोन पे बात होती रहती है, पर आज तो लेकिन आज तो वो पहले से जल्दी निकल गई थी। उसकी कोई फोटो वगैरह? जी हाँ हाँ, मैं लाती हूँ। उसके पास कोई मोबाइल? जी उसके पास है। उस मोबाइल की सारी डिटेल्स निकलवानी होगी। जी सर। लेकिन सर मैं उसे काफी देर से फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। क्या आपको उसकी बातों से ऐसा लगा कि उसकी आपसे या आपके आसपास के लोगों से कोई नाराजगी है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी। आंटी सरगम आई क्या? नहीं बेटा अभी तक तो नहीं आई। रिया बेटे तुम अंदर आ जाओ। अंकल आपसे बात करने के बाद मैंने उसे बहुत फोन ट्राई किया, पर पता नहीं क्यों उसका फोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। अरे हाँ बेटा, हम भी तो काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, वो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कौन? ये रिया, सरगम की खास दोस्त। आपकी सरगम से आखिरी बार कब बात हुई थी? जी कल रात को। क्या आप बता सकते हैं क्या बात हुई थी? कुछ खास नहीं, दरअसल हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर कभी मिल नहीं पाते तो इसी तरह दो तीन बार बात कर लेते हैं। कल जब आपने उससे बात की तो क्या रिया
परेशान थी? जी, कोई परेशानी नहीं थी। अंकल, मैं चलती हूँ, घर पर कोई नहीं है। अगर कुछ काम हो तो मुझे बुला लेना, और सरगम का फोन आया तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है बेटा, तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। सरगम का रूम कहाँ है? सर्वो वाला। नकुल, अबे चला चलो। जी सर। अबे तकिए के नीचे मिला है। भाभी जी, सरगम आई है क्या? नहीं। इस लड़की को हुआ क्या? सुबह तो मैंने उसे जाते हुए देखा है। आपकी सरगम से कोई बात हुई थी? जी नहीं, वो काफी जल्दी में थी सुबह। सर ये मैं तकिए के नीचे से। ये सब क्या है? जी ये नींबू है। ये सब सरगम के पास? सरगम पापा के पास गई थी? पापा? कौन सा पापा? हाँ, वो सरगम ने अपनी सहेली रिया के बारे में बताया था कि वो किसी परेशानी में है, इसीलिए मैंने उसे एक पापा के बारे में बताया था। आप इस दौर में भी इन सब चीजों पे विश्वास रखते हैं? जी, वो मेरे हस्बैंड किसी औरत के चक्कर में आ गए थे और उन बाबा ने ही मुझे उस चंगुल से निकाला था और मेरे हस्बैंड को ठीक किया था टोना टोटका करके। जी, वो तो मेरे हस्बैंड को ठीक किया था बाबा ने, टोना टोटका तो उस औरत ने मेरे पति पर किया था। वो सब ठीक है, पर ये सरगम के पास कैसे आया? उसको इसकी क्या जरूरत आ पड़ी थी? हो सकता है कि सरगम ने रिया को देने के लिए लिया हो और उसने अपने पास ही रख लिया हो, शायद इसीलिए ये सब कुछ परेशानी उसके सामने आ रही है। क्या बकवास कर रही हैं आप? ये सब अंधविश्वास है और आप इस दलदल में इन बच्चों को भी घसीट रही हैं। जी, वो मुझे सरगम ने पूछा, इसीलिए मैंने उसे बताया था। सरगम कहाँ है? मेरी बच्ची ना जाने कहाँ चली गई। ये बाबा का चक्कर क्या है? शायद रिया को पता होगा। जितेंद्र साहब जी, आप रिया को फोन लगाइए। कम से कम तुम तो फोन उठाओ। हेलो।
हेलो जी अंकल, क्या हुआ अंकल? रिया बेटे, तुम्हें कोई परेशानी थी जिसकी वजह से तुम्हारे और सरगम के बीच में काला जादू को लेकर कोई बात हुई थी? नहीं अंकल। देखो बेटा, सच सच बोलो, तुम्हें जो मालूम है वो बोलो, हम लोग कितने परेशान हैं यहाँ पे। हाँ हाँ बेटा बोलो। बेटा तुम्हें पता होगा ना सरगम कहाँ है? आंटी मुझे नहीं पता सरगम कहाँ है, मगर। मगर क्या? बताओ बेटा, अगर तुम नहीं बोलोगी तो कैसे पता चलेगा? देखो ये सरगम के तकिए के नीचे नींबू मिला है। ये सब क्या है बेटा? कोई तो बात जरूर है। वो दरअसल आंटी, सरगम और अर्जुन एक दूसरे को प्यार करते हैं, मगर 5 दिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। सरगम, तुम और अर्जुन एक दूसरे को पसंद करते हो, भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? और फिर मेरे दो दोस्त एक साथ रहेंगे तो भला मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है? वो सब तो ठीक है रिया, देख अगर तुझे अर्जुन पसंद है तो मैं पीछे हट जाती, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तू पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। सच? और क्या? अब तू जल्दी से अपने घर वालों को अर्जुन के बारे में बता दे, फिर मैं तेरी शादी में खूब डांस करूंगी। सरगम को ऐसा क्यों लगता था कि मेरे और अर्जुन के बीच में कुछ है, लेकिन ये बात मैंने उस दिन उसको क्लियर कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ? ये नींबू कहाँ से आया? अभी 2 दिन पहले मैं अपने भाई सचिन को उठाने उसके कमरे में गई थी और अचानक मैंने देखा खिड़की की तरफ। जब मैंने सरगम से पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया, सारी बात टाल दी। और फिर अचानक उसने बताया कि वो सब कुछ एक बाबा का किया धराया था, और उस दिन सुबह सुबह जो अंडे से ए नाम का लॉकेट निकला था, उस दिन अमावस की रात थी। सर, मुझे तो लगता है ये सब कुछ बाबा का किया कराया है। I mean to say, काला जादू। सर, ये केस हमारे मतलब का नहीं है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, आप लोग इस जमाने में ऐसी चीजों पर विश्वास कैसे करते हैं? सर, मैंने सरगम को मना किया था ये सब करने को, पर मुझे लगता है कि वो ये सब कुछ अर्जुन के लिए कर रही है। वो लॉकेट कहाँ है? सरगम को कुछ मिला नहीं। आप लोग हो सके तो अपने कमरों में ढूंढिए, शायद कुछ मिल जाएगा। जी सर। मुझे भी देखना है ये अंधविश्वास का खेल कितना लंबा चलता है। जी सर, जरूर। ये क्या हो गया? ओ गो,
हो गए। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की जेवर लेकर उस लड़के के साथ में? ये आप क्या बोल रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए पर सरगम गहने चुरा के नहीं भाग सकती। नकुल, अबे उस लड़के को ट्रेस करो। यस सर। हेलो, यस इंस्पेक्टर। ओके, हम अभी पहुंचते हैं वहां। क्या हुआ? हाईवे पर एक झाड़ी में एक लड़की की लाश मिली। क्या? ये नहीं हो सकता। क्या जी? आप लोग? हम लोग SID से हैं। कहिए। हम लोग सरगम के कत्ल के सिलसिले में हैं। आपसे कुछ पूछताछ कर रहा है। अबे, कातिल चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है।